अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी यहाँ पर सैटरडे मॉर्निंग थी और सबके लिए मैंने कहा आज फ्राई एग्स बनेंगे, एक जैसा जो है ब्रेकफास्ट होगा। तो मेरी अम्मी इस तरह के बड़े सारे फ्राइंग पैन में जब मैंने एक अंडा डाला तो मेरी अम्मी 6 से 8 एग्स जो है वो फ्राई कर लेती थी। कोई हमारे घर आता था तो मैं कहती हूँ एक साइड पे ढेर पराठों का बन जाता था और वो चुटकियों में काम कर लेती होती थी। कभी उन्होंने ये बेलन और इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं की थी। तो यहाँ पर फ्राइडे से मैं आपको सैटरडे की सारी रूटीन बताऊँगी। ये फ्राइडे आफ्टरनून था तो पेस्ट कंट्रोल वाले ये वाइट सारा ट्रीटमेंट जो था वो कंजर्वेटिव के अराउंड डाल के गए थे, जो कि एंट्स का एक छोटा सा नेस्ट था इसमें हमारी कंजर्वेटिव में बना हुआ था नीचे कहीं। तो मुझे तो वैसे बहुत जो है वो एनिमल्स का वो है और ये सारी चीज़ें कह रहे थे कि बिल्कुल मिडल में रहेंगी। तो मेरी मदर इन लॉ की अपॉइंटमेंट थी और मेरा बेटा और हस्बैंड दोनों साथ थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ से रिंग किया कि सीधे नफीस आ जाओ काम के बाद, और क्योंकि हमने जाना है समोसा चाट खानी है। मेरी मदर इन लॉ को बहुत पसंद है समोसा, तो वो जो है वो काफ़ी शौक से खाती हैं। अभी बताओ क्या खाना है, हैं? समोसे खाने हैं और कोई चीज़ बता दें, समोसों का दिल कर रहा है। चलो ठीक है, जब मैं भी वही खा लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर जो था जी 10-15 मिनट्स ही थे, क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे फादर इन लॉ घर में ही थे, तो इस तरह बिल्कुल टाइम ही निकलता। इस तरह से 10-15 मिनट्स जो है वो अंदर ही होते हैं और ये नई शॉप हमारे घर के बिल्कुल जो है वो पास जो है वो नई उनकी नफीस वालों की ब्रांच जो है वो ओपन हुई है। और यहाँ पर मैं सीधी जो है अपने आप को देख रही थी फ़ोन में कि मैं सीधी काम से आई हूँ 8 घंटे काम करने के बाद, तो मेरी शक्ल कैसी हो रही है। और वहाँ पर और भी फैमिलीज बैठी हुई थी, तो फिर मैंने कहा बस में मैं चुप करके बैठ गई, क्योंकि मैंने कहा ना घर जाती फ्रेश होती तो उतनी देर में तो खाने का टाइम था, तो फिर तो कुछ भी नहीं होना था। समोसे ढूंढने पड़ेंगे, वो टीम भेजो ना नीचे समोसे ढूंढ के। रेस्क्यू टीम। इससे तो ऐसे ना मैं बताऊँ, मैं ज़्यादा अच्छी समोसा चाट बना लेती हूँ। ये समोसे चाट ही समोसे सबमरीन है, वो मेरी वीडियो है अगर किसी ने देखनी है ना, उस पर लगी हुई है वो रमजान की, उसमें ना रेसिपीज मैंने लगाई थी समोसा चाट। अच्छा। इतनी मजे की थी ना वो समोसा चाट, इतनी पसंद की थी ना सब ने घर में। अच्छा, इसमें ये जो मोटी वाली है ना ग्रीन मिर्चें डाली हैं इन्होंने, और थोड़ी सी सेव सी डाली हुई है, थोड़ा सा धनिया है, ऑनियन है, ये है जी इसके अंदर। तो मेरी समोसा चाट जो ना वो माशाल्लाह बहुत मज़े की थी, और वो उसमें बड़ी हेल्थी, उसमें सारी जो ना सब्जियां वब्जियां डली हुई थी। कैसी लगी समोसा चाट, अच्छी थी? अच्छी है, मजे की है ना, लेकिन समोसों के ऊपर ज्यादा ही डाल दिया। हाँ? वो ज्यादा समोसे जो है ना सौगी से समोसे जो है सौगी होने का, वरना ठीक है क्रंची रस नहीं खत्म हो। हाँ थैंक यू। मैं चीज चाहती हूं, दो ये दे, हमें और तो नहीं कुछ लेना, पानी के लिए प्लेन बर्फी एक पीस। तो जी बस इधर से कुछ चीज़ें मेरी फादर इन लॉ के लिए ली और बस फिर हम घर वापस आए। फ्राइडे नाइट थी तो बहुत ही कोई बिजी टाइम था, तो यहाँ पे बड़े प्यारे मुझे मेहंदी की चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। अगर किसी की शादियाँ हो रही हैं तो मेहंदी का अच्छा स्टाफ था। तो फिर नेक्स्ट सैटरडे मॉर्निंग से अब मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने जिसी तरह बैठी हूँ वैसे ही उठ के आ गई हूँ, सुबह सुबह है तो मैंने जो है ना जाना है अपने हेयर की क्या उसको कहते हैं कराने के लिए, इसको क्या कहते हैं केराटिन, क्योंकि बाल तो बिल्कुल अब टूट गए हुए थे, तो ये वाली ट्रीटमेंट इससे बाल जो है ना थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। पता नहीं अब देखो कि क्या होता है, लेकिन मुझे तो वैसे इतना कोई ट्रस्ट नहीं है मैंने कहा चलो मैं जाके ना करा लेती हूँ। मुझे काफ़ी मैसेजेस आए थे कि आप ना कराएं, मैंने कभी नहीं कराया, टाइम होगा गई नहीं कभी, तो देखते हैं फिर आगे जाके कि वो क्या कैसी ट्रीटमेंट है या क्या करते हैं। तो फिर मैं आपके साथ जो ना वो शेयर करूँगी इसका, कि ये करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, क्योंकि बाल तो बिल्कुल ही उतर गए थे और भी उतर रहे थे। तो अब वहाँ पे जाके पता चलता है कि ये वाली ट्रीटमेंट अच्छी थी या क्या थी, लेकिन मैं आपको पूरा प्रॉपर जो है ना इसका बताऊँगी सारा रिजल्ट भी, ताकि अगर कोई और किसी और को इस तरह की एक्सपीरियंस हो रहा हो तो वो कराएं या ना कराएं। तो ये कोई प्रमोशन जो किस तरह का नहीं है, मैं तो भी फुल पे कर रही हूँ।
हेयर कंडीशन जो है वो शायद बेटर ही हो जाए, हालांकि कोई इस तरह वैसे आइडिया लग तो नहीं रहा हेयर बेटर होने का। तो जी लेडी बेचारी बड़ी कोई अच्छी थी, उसने जाके मुझे एक्सप्लेन किया कि केराटिन तो आपके बाल और भी टूट जाने हैं क्योंकि सारे स्ट्रैंड्स जो हैं वो ब्रोकन हैं, तो इस पे हम लगाते हैं प्रोटीन। और पता मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना आगे का ना पीछे का, बालों में सलोन में गई, मुझे लगता मैं अपने भाइयों की शादियों पर 10 साल पहले गई थी। तो बस जी फिर उन्होंने ट्रीटमेंट की, ये देखें बाल बिल्कुल पीछे से, अब तो उसने आयरन किया था इनको सारा अच्छे से ट्रीटमेंट के साथ ताकि वो लॉक हो जाए प्रोटीन। तो जी बाल तो मैंने जो है वो करा लिए हैं, और ज़िंदगी में मैं कहती हूँ मैंने पहली दफ़ा जो है वो प्रोटीन कराई है। मुझे पता नहीं था, ये मेरी वैसे कलीग ने एक ने कहा, तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं करा लेती हूँ, अच्छी है। तो आई विल रिकमेंड कि ये प्रोटीन है, कोई नई ट्रीटमेंट कहते आई है, केराटिन नहीं है ये। और इस तरह से ये देखें ना बाल जो है, और ये वैसे कोई वो नहीं है, लेकिन अगर जिनके बाल मेरी तरह टूटे हैं या ख़राब हों, ये उनके लिए है कि वो अगर चाहें तो ये वाला ट्रीटमेंट जो है ना वो ले। तो जी ये वाला फिर ऑयल उसने मुझे कहा कि रिकमेंड किया, इसमें बस ये मेथी दाना वाले सीड जो होते हैं, फेनोग्रीक सीड, और ये कलौंजी वाले सीड, और ये करी लीव्स जो हैं, ये मुझे सेंसबरी से मिल गए थे। इस तरह से एक बड़ा ओनियन काट लें, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल इसके अंदर, अगर आपके पास कैस्टर ऑयल हो तो वो भी डाल दें। अभी मेरे पास नहीं था लेकिन मैंने फिर बाद में ला के उसकी इसके अंदर मिक्स किया था। तो बस इसके अंदर जो ओनियन है वो 15 to 20 minutes अच्छे से पक जाएँ, तो ये आपने एंड में जो लास्ट 5-7 minutes हैं उसमें ये सारे सीड्स डाल देने हैं, और उनको जो है वो अच्छे से ब्राउन कर लेना ताकि उसके बाद में फिर ख़राब ना हो ओनियन जो है। अगर थोड़े कच्चे रहेंगे तो वो फिर उसी में से स्मेल आने लग जाती है ऑयल की। और इसमें जो है वो आप एसेंशियल ऑयल जो है अगर कोई भी आपके पास हो आप उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल दें ताकि उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसमें मैंने थोड़ा सा आलमंड ऑयल भी डाला था, और कैस्टर ऑयल जो था वो मैंने फिर बाद में डाल दिया था 4 से 5 चम्मच। तो ये बात थी कि अगर कोई भी आपको अपना बॉल्ड जो है वो दिखाता है, मेल हो या फीमेल हो, आपको पता है बालों का जो होता है ना वो बहुत बंदा टची होता है, और अगर जो है ये चीज़ हमेशा जो है अगर बार बार ये चीज़ आ रही है और बहुत बड़ा इशू है कि आपके बॉल्ड भी हो रहा है, जैसे मेरी आपने कई वीडियोस में पीछे देखा होगा कि बिल्कुल बाल अंदर से कई जगह से बिल्कुल जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो ये इसके पीछे जो है ना वो आपके हेल्थ इश्यूज होते हैं। ज़रूर जो है वो आप बड़ा टेस्ट कराएँ। और अगर आप बार बार एनीमिक हो रहे हैं, बेबी भी नहीं आपका, प्रेगनेंट नहीं है, और या कोई और आपको प्रॉब्लम नहीं है लेडीज़ वाले, तो फिर जो है आप ये हेड टू हेड चलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एनीमिक होना बार बार और इसके साथ कोई बहुत जो है वो बड़ा सीरियस हेल्थ इश्यू होता है, जो कि कई दफ़ा हम जो ना हमारे लोग पता लेडीज़ जो है वो कई दफ़ा अपने आप को इग्नोर करती हैं, उन्हें पता नहीं चलता। बहुत सालों से आपकी बॉडी आपको पता वार्न करती है हमेशा, और बॉडी हमेशा वार्निंग देती है किसी भी थ्रू आपको दे जाए, आपके फेस से पता चल जाता है, आंखों के नीचे थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो, आपके जो है वो बाल उतरने शुरू हो जाते हैं, तो ये पता ये थोड़ी थोड़ी साइंस होते हैं, और इन चीज़ों को जो है ना थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। तो यहाँ पर जी फिर मेरा ऑयल बन गया हुआ था, तो आपके साथ जो है ना मैं जल्दी ये भी शेयर करूँगी इसका हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड भी, कि लेडीज़ में जो कॉमन जो है ना फैक्टर यहाँ पे सबको जो है, एक तो इधर इंग्लैंड में जो है ना धूप नहीं लग रही होती, विटामिन डी भी कम होता है तो आयरन के साथ, तो यहाँ पर फिर ऑयल ठंडा हो रहा था, तो मैं ये अपनी नई बॉटल्स लेके आई थी। मैं कुछ टाइम के बाद जो है ना मुझे बॉटल्स का बड़ा शौक़ है इसको इकट्ठा करने का, वो स्कूल में डिफरेंट लेके जाती रहती हूँ अपने साथ। और यहाँ पे फिर से ट्रेन किया मैंने सारा ऑयल, अभी मेरे पास जो था वो कैस्टर ऑयल नहीं था, तो फिर बाद में मैं फिर गई बाहर और लेके आई थी, और फिर जाके मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स किया, और बड़ा ये ऑयल जो है ना ये बड़े अच्छे हैं, लेकिन अगेन जो भी चीज़ें आप ऊपर से लगा रहे हैं उसका वो नहीं है कि आपने उसको जो है वो इनसाइड आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी होनी चाहिए। बायोटिन का भी उसने मुझे कहा था कि आपने सप्लीमेंट्स लेने हैं, लेकिन क्योंकि मैं और ले रही हूँ साथ मेडिसिन, तो उसके साथ भी मैं तो नहीं लेके आई, लेकिन उसने मुझे जो थी वो लेडी अभी मेरी सारी कॉलीग्स ने भी बड़ी तारीफ की, लेकिन मैंने उसको जाके अभी चॉकलेट भी दे के आनी है, और मैंने उसको फुल पे किए हैं इस चीज़ के। और मुझे ये नहीं था कि मैंने ना किसी भी चीज़ का ये कोई वो नहीं है, प्रमोशन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए था, क्योंकि यहाँ पे हर अगले बंदे का इंग्लैंड में ना यही मसला हो रहा होता है बालों का, जिससे भी पूछें कि हमारे जो है वो किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, सभी ये कह रहे होते हैं कि हमें हेयर फॉल हो रहा है।
तो ये देखिए इस तरह से ऑयल फिर बड़ा अच्छा सा ये बन गया था। तो बस मैंने फिर इसको इस तरह से बंद करके जो है वो कुछ सीड्स इसके अंदर नीचे से रहने दिए थे। तो यहाँ ये फिर एक वीक के बाद था, तो मैं इस तरह सुबह सुबह जो है वो स्कूल जाने लगी थी इधर, तो मैंने कहा कि ये देखूँ इसके नीचे से जो स्प्लिट एंड तो नहीं हो रहे, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे भी होता है इस तरह की ट्रीटमेंट के बाद आपके जो नीचे से बाल जो है वो स्प्लिट एंड होकर फिर ख़त्म होती है ये सारी ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर 2 वीक्स हो गए थे यहाँ पर, और मेरे जो नीचे से पीछे से ट्रेंड है वो अभी भी जो है, क्योंकि वो इतने डैमेज थे ये देखें सारे टूटे हुए हैं। तो उसके बाद फिर जी मैं गई, मुझे नहीं पता था, मैं तो वैसे एक दो चीज़ें लेने गई थी, तो नेक्स्ट में वहाँ पास ही नेक्स्ट थी तो सेल लगी हुई थी, तो स्कार्फ्स बड़े अच्छे आए थे, तो मैंने कहा ये शेयर कर दूँ, क्योंकि आपको पता हम सब लेडीज़ जो हैं स्कार्फ बड़ा पसंद करते हैं। मैं तो बहुत जो है वो स्कूल में लेके जाती हूँ सर्दी गर्मी, स्कार्फ्स मुझे बड़े पसंद हैं, तो यहाँ पर मुझे बड़े अच्छे मिल गए थे और बड़े प्यारे, बिल्कुल वूल वाले सर्दियों वाले थे। और कुछ ड्रेसेस स्कूल में जो है वो पहनने के लिए मैं हमेशा इसी तरह से जब भी कहीं पर कोई जो है वो रिड्यूस या सेल लगी हो तो मैं ले लेती हूँ, और क्योंकि बड़े अच्छे आपको कई दफ़ा मिल जाते हैं, वैरायटी अच्छी होती है, और नेक्स्ट की जो है वो ड्रेसेस ख़राब नहीं होते अगर आप कितनी दफ़ा भी उनको वॉश कर लें ना उस पर लो डिग्रीज़ पे, 15, 20, 30 पे, बस इससे ज़्यादा नहीं, तो बड़े अच्छे और बड़े देर तक वो है चल जाते हैं। तो यहाँ पे एक और लवली सा आइडिया था, ये हमारे स्कूल में जो था हमने बच्चों ने इस तरह से आइसिंग शुगर जो होती है वो एक बॉक्स लेने, ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स थे, प्लेन जो पील होता है ये क्या इसको कहते हैं टेस्को से फ्रूट का था, और साथ में चॉकलेट बटन्स थे, चॉकलेट चिप ले लें, मैं कहती हूँ रेजन साथ में ले लें, तो बड़ा अच्छा ये देखें इसमें बस फूड कलर डालना है और पूरा बॉक्स आपका 6 महीने निकल जाता है। बड़े वाला डिब्बा लेना आइसिंग शुगर का और उसमें पानी थोड़ा सा डाल के उसको थोड़ा सा थिक सा पेस्ट बना लेना है, और ये देखें ये मिक्स्ड पील था, ये भी हेल्दी है। तो बच्चे जो है ना बड़े शौक से आपके साथ लगते हैं, कंप्यूटरों से और गेम्स से थोड़ी देर उनको बचाएं और इस तरह से छोटी सी एक्टिविटी प्लान करें, तो जो है ना बच्चे भी खुश और आप भी खुश। और इस तरह का मेरे पास टोस्ट का भी हम कई दफ़ा स्कूल में बनाते होते हैं, जहाँ पे बस आपने टोस्ट बनाना है उसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड और फिर बनाना के साथ आप डालते हैं, तो वो मंकी फेस बड़ा प्यारा बनता है और बच्चे जो है शौक शौक से फ्रूट भी खा लेते हैं। तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।